हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। माई सेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। सो टुडे आई विल डिस्कस पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यू एंजॉय दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। इफ यू वांट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टूडेंट विद मी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई वांट टू गिव ओवरव्यू बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, आफ्टर दैट किंगडम मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, आफ्टर दैट वायरस, वायराइड्स, लाइकेन एंड प्रियॉन्स। सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो ऑफ ऑर्गेनिज्म जो था हमारा, वो अपने बेसिस के हिसाब से हम लोगों ने उसको क्लासीफाइड कर रखा था ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, वो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासीफाइड कर रखा था। तो टेस्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सिंस द डाउन द सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हमारी सभ्यता की स्टार्टिंग हुई, ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन यूज क्लासीफाइड, जो हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड कर रखा था अपने यूज के हिसाब से, उसको क्लासीफाइड कर रखा था। जो ह्यूमन की बेसिक नीड होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ होती है, ठीक है। तो मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था हमारे अरिस्टोटल साहब ने दिया, मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे अरिस्टोटल साहब ने दिया। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने देखा और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया। तो उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको ट्री बोल दिया, जो उससे छोटे थे उनको सर्ब बोल दिया, और जो उससे भी छोटे थे उनको हर्ब बोल दिया। सर्ब में हमारे आते हैं जैसे जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब में आते हैं हमारे पम्पकिंस वगैरह, कुकरबिट्स वगैरह जो आते हैं उनके जो स्टेम होते हैं, और जो हमारा वीट प्लांट होता है उसका जो सॉफ्ट स्टेम होता है, तो उसको हम हर्ब में काउंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने प्लांट को तो इसमें ट्री, सर्ब और हर्ब में डिवाइड कर दिया। उन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल को देखा जिसमें रेड ब्लड था, उसको इनेमा बोल दिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड कॉल्ड इनेमा, और जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसको एनेमा बोल दिया, जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसको बोल दिया एनेमा, हैड नॉट रेड ब्लड कॉल्ड एनेमा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जो था हमारा, फर्स्ट पहले हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे RH विटेकर साहब ने दिया था, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसको हम 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं, जिसको कार्ल वोग्ट साहब ने दिया था, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कैरोलस लिनियस इन 1758 में हमारा जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि हमारे कैरोलस लिनियस सामने दिया, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट को ऑल किंगडम प्लांटी में रखा, और सभी एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी में कुछ ऐसी कमियाँ थी जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक यूज नहीं किया जा सका उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिमिडिस थी जो कि अपनी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहे थे कुछ सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो उसको ज़्यादा समय तक यूज नहीं कर पाए, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉज डिस्टिंग बिटवीन, इसकी डिमिडिट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, यू कैरियोट और प्रो कैरियोट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि यू कैरियोट क्या है, प्रो कैरियोट क्या है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। और जो हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाया। फोटोसिंथेटिक जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गा होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हमारा हो गया, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, उसके बारे में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा, समझने में तो बहुत आसान था उसको, समझ लेते थे, समझने में बहुत आसानी थी कि जो किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स को रख दिया गया, उस किंगडम एनिमलिया में सारे एनिमल को रख दिया गया। बट जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, उनकी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहे थे, उनकी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर पाए। क्योंकि लंबे समय तक, क्योंकि हमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत होता है वो सारी इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा समय तक इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज नहीं कर पाए। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आया वो हमारे अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल साहब ने फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1866 में। इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा दिया। तो प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम तो हमारे
लीनियस साहब ने दिया, बट जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा दिया हमारे वो अर्नेस्ट शेकल साहब ने दिया। उसके बाद हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे कोपलैंड साहब ने दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 1956 में हमारे कोपलैंड साहब ने दिया। और फिर आफ्टर उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो आर एच बिटेकर साहब ने दिया 1969 में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से ही आएगा, उसके क्राइटेरिया से पूछ लेंगे। और या और जो हमारा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वायरस वेराइड्स, ये दो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो हम देख लेते हैं इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई आर एच विटेकर इन 1969। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो था, ये हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है। इट इंक्लूड मोनेरा, इसमें क्या क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटी होता है और एनिमेलिया होता है। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो मेन क्राइटेरिया थे, जो आर एच बिटेकर साहब ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करने के लिए जो अपने क्राइटेरिया यूज किए वो क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें था मेन क्राइटेरिया जो था सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइडा, तो मतलब एल्गी की बॉडी के बारे में पढ़ें तो हम थैलोफाइडा बोलते हैं, इसी वजह से बॉडी के बारे में है तो उसको थैलस बोलते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का है या सेक्सुअल टाइप का है, ठीक है, वेजिटेटिव है, किस टाइप का है, ये सब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम इवोल्यूटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, सो फिर हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया है, जितने हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उनको हम किंगडम मोनेरा में रखा गया है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारा किंगडम मोनेरा में रखा गया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, इसमें मेम्ब्रेन मास ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये सब हैं, तो इस वजह से हम इसको किंगडम मोनेरा में रखते हैं। तो देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। सो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा की आत्मा है। ठीक है, तो इन मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इन मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म पुट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है जो वो वेरी सिंपल होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब वो अपना खुद खाना नहीं बना पाते हैं, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, है ना। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ में हमारे बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थ में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जैसे हम एक हैंडफुल सॉइल, अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया, बहुत तादाद में बैक्टीरिया हम पा सकते हैं उसमें। ठीक है, बैक्टीरिया सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत विशाल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हर जगह पाए जा सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, हर जगह बैक्टीरिया हमारे दिख जाता है, इस वजह से मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सो हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल, जो हमारे एक मुट्ठी में बैक्टीरिया होंगे लगभग वो 100 की तादाद में होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, कहाँ पे किस जगह की हम अपना मिट्टी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होता है हमारा, जो अपना खाना खुद बना ले, या वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं जो केमिकल कंपाउंड को अपना यूज करके उससे अपना भोजन बनाएं, उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। वो फोटोट्रॉफ होते हैं, फोटो का मतलब होता है, फोटोज का मतलब होता है लाइट। ठीक है, जो बैक्टीरिया लाइट को, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना भोजन बनाए उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट यानी हार्श हैबिटेट यानी एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशन होती है वहाँ पे भी हमारे बैक्टीरिया रह लेते हैं।
जैसे हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया हमारे हॉट स्प्रिंग डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग बहुत जहाँ पे गर्म होता है डिजर्ट में, जहाँ स्नो बहुत ठंडा होता है, और डीप ओशियन जहाँ पे हमारे गहरे गहरे समुद्र में भी बैक्टीरिया रह लेते हैं, और जो बहुत स्नो जहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है वहाँ पे भी बैक्टीरिया रह लेते हैं। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं एज ए पैरासाइट, जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर फोर कैटेगरी, तो बैक्टीरिया को हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऑन देयर सेप, उनके सेप के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसको हम कोकस बोलते हैं, जो राउंडेड होते हैं उनको हम स्फेरिकल बोलते हैं और उनको हम कोकस भी बोलते हैं। ठीक है, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जो रॉड के नुमा होते हैं, रॉड शेप होते हैं, तो उनको हम बैसिलस बोलते हैं, और जो कॉमा शेप होते हैं तो उनको हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और जो स्पायरल शेप होते हैं मतलब धागे के नुमा होते हैं तो हम उनको स्पायरलम बोलते हैं, स्पायरिलम। ठीक है, सब देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जो हमारे मोनरा में ही आते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। आर्की से नाम ही पता चल रहा है, एंशियंट बैक्टीरिया मतलब प्राचीन बैक्टीरिया। जो हमारे प्राचीन बैक्टीरिया थे वो किस टाइप के थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल टाइप, ये बैक्टीरिया भाई प्राचीन बैक्टीरिया थे तो कुछ तो इसमें होगा स्पेशल। ठीक है, दे लिव सम मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये ऐसी कुछ एडवर्स कंडीशन पे रहते थे, हार्श हैबिटेट पे रहते थे, इसी वजह से ये कुछ अलग थे। ठीक है, सच स्ट्रीम जैसे साल्टी एरिया, जो साल्टी एरिया होता है हेलोफाइल्स बोलते हैं, जहाँ पे नमकीन पानी होता है साल्टी एरिया होता है उसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को हम थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं, जो थर्मस होता है मतलब थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसी वजह से हम इसको देख लेते हैं, मतलब इसको हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग मतलब थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है, जो मार्सी एरिया होता है, मार्सी एरिया जो होता है हमारा, मार्सी से मतलब मार्सी एरिया जहाँ से मीथेन गैस बनती है, दलदली जो भूमि होती है जहाँ पे दलदली जगह होती है उसको मार्सी एरिया बोलते हैं, वहाँ पे हमारे मेथनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मेथनोजन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जो मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ एंड बफेलो को हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, इनकी गट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द स्टोमच होता है, गट जो है पार्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन का, तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, जो पहले हम लाइट के यूज में करते थे, उसको खाना बनाने में यूज होता था बहुत रूरल एरियाओं पे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया भाई क्यों डिफर है बैक्टीरिया से, तो कुछ तो ऐसा है तभी इनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से, आर्की बैक्टीरिया जो हैं बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं, जो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या ऐसे हैं, उनकी लिपिड जो ब्रांच लिपिड की चेन पाई जाती है, इस वजह से उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है इन एक्सट्रीम कंडीशन वो बढ़ जाती है। लिपिड ब्रांच लिपिड की चैन पाई जाती है, इस वजह से उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ जाती है। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ सीडोमोरिन, जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो सीडोमोरिन की बनी होती है, एंड ब्रांच चैन लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है। सो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जो उनकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी थी, मतलब मेम्ब्रेन का एक तरह से देखा जाए जो मेम्ब्रेन उसकी टूट रही होगी मतलब ख़राब हो रही होगी, तो वो जल्दी नहीं ख़राब होती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी फ्लूडिटी, इंक्रीज हो जाती है इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में उसकी फ्लूडिटी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होती है, इस वजह से उनको आर्की बैक्टीरिया बोलते थे। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था यू बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये भी हमारे मोनरा के अंदर आते हैं, जितने बैक्टीरियाज हैं वो सारे हमारे किंगडम मोनरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक वाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, जो यू बैक्टीरिया में होते हैं हमारे उनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती हैं। जो रिजिड सेल वॉल होती हैं वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो रिजिड सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती हैं,
और नाक एंड नाम बन की बनी होती है। नाक को हम बोलते हैं एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एंड जो नाम होता है एन एस्टिल म्यूरोमिक एसिड जो होता है हमारा, वो नाम होता है, ठीक है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो हमारी आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल बनी थी वो हमारी सीडोमिरोन की बनी थी और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल की बनी हुई थी, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया जिसके नाम पे बैक्टीरिया आ रहा है तो समझो वो मोनेटा में ही आएगा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा उसको हम बीजीए बोलते हैं, ब्रूग्रीन एल्गा, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है इसके पास में, जो कि क्लोरोफिल ए हमारे प्लांट के सिमिलर होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हमारे क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स में होता है उसी के सिमिलर होता है प्लांट, एंड ये ऑटोट्रॉफ होता है। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम किंगडम मोनेटा में पढ़ते हैं, इसके पास इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। इसके पास हमारा जो क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, इस वजह से हम इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा होता है बीजीए जो होता है हमारा वो यूनिसेलुलर होता है, बीजीए जो होता है हमारा यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी हो सकता है यानी अपनी कॉलोनी बना के भी रह सकता है, ये फिलामेंटस भी हो सकता है मतलब धागे के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकता है, और ये हमारा फ्रेश वाटर पे भी रह सकता है, और ये मराइन वाटर हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ये मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पे रह सकता है, ये फ्रेश वाटर पे रह सकता है, मराइन पे रह सकता है, कॉलोनी बना के रह सकता है अपना, फिलामेंटस धागे के रूप पे हम इसको देख सकते हैं, और ये हमारा यूनिसेलुलर होता है, है ना। तो हमारा जो बीजीए की जो कॉलोनी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गा की जो हमारी कॉलोनी होती हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गा की हमारी कॉलोनी होती हैं जनरली सराउंडेड बाई जिलेटेनियस सी, जो ब्लू ग्रीन एल्गा की हमारी कॉलोनी होती हैं वो जिलेटेनियस सी से सराउंडेड होती हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है ये हमारा वाटर ब्लूम फाउंड करता है, वाटर ब्लूम बनाता है, वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड करता है हमारा। सम ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं हमारे वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनके ब्लू ग्रीन एल्गा पे एक सेल्स पाई जाती हैं हेट्रोसिट्स, जो हमारी जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं नॉस्टॉक है एनामिना हमारे बीजीए ही हैं बीजीए, ये हमारे हेट्रोसिट्स इनमें सेल पाई जाती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक, जो मतलब किसी भी बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब कीमो का मतलब होता है केमिकल मतलब केमिस्ट्री, जिस नाम की बैक्टीरिया के आगे केमिस्ट्री लगी इसको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लाइक नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारा नाइट्रेट होता है नाइट्राइट होता है अमोनिया होता है, इनको अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया इन वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंट को यूज करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्राइप बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट नेचर, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे नेचर में बहुत पाए जाते हैं, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे नेचर में बहुत पाए जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी आप जो होते हैं वो हमारे वो डिकम्पोजर होते हैं, मतलब किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, यानी किसी चीज़ को डिकम्पोज करने का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, डिकम्पोज करना। सो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया सॉ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ह्यूमन के माइंडकाइंड के लिए कुछ हमारे अच्छे भी हैं हेल्पफुल भी हैं, है ना। जैसे हमारा कर्ड से दूध से हमारा दही बनाता है लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैब बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हमारा होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जो हमारे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी करते हैं वो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं टोट्रॉफ, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम राइजोबियम जो होता है हमारा ये लिग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सम आल्सो का डिजीज, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया मोस्टली जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे हैं सम बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग, जैसे हमारे कुछ क्रॉप में डिजीज कॉज करते हैं, हमारी जो फसल्स होती हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं, फॉर्म एनिमल जो हमारे जानवर हम लोग पालते हैं एनिमल पालते हैं काउ बफेलो पालते हैं, तो उनमें कुछ एनिमल जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं, जैसे हमारे जो ह्यूमन में डिजीज होती है कोलरा विब्रियो कोलरा ही होती है, जो हमारा टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है ये कॉज करता है,
टिटनस होता है, सिट्रस कैंकर कैंकर होता है, ठीक है। ये सिट्रस कैंकर जो हमारा ये प्लांट की डिजीज है, ठीक है। जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है, ये माइकोप्लाज्मा भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा कम्प्लीटली लैक ऑफ सेलवाल, जो माइकोप्लाज्मा में होता है इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती हैं, ये कम्प्लीटली लैक होती है सेलवाल। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन में पूछ लेगा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम आंसर करेंगे माइक्रोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा आंसर करेंगे हम इसका, ठीक है। तो इसका ये हमारा जो होता है एनऑक्सीजनिक होता है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है अपने आप को, ये माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है हमारा जिसमें कम्प्लीटली लैक सेलवाल होती है, इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि अपने सेलवाल को चेंज करता रहता है, अपना रूप रंग बदलता रहता है, ठीक है। इसको हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको हम PPLO बोलते हैं, तो इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बिकॉज चेंज देयर शेप इन एवरी टाइम, ये अपने प्रत्येक समय अपना समय शेप बदलता रहता है, इसलिए हम इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू।